अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, शिपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचेस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपका भाई पहुंच चुका है कराची। कराची वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिटीज़ इन पाकिस्तान है, सब बम्बू काट खानों के मामले में भी और हर मामले में एक बेहतरीन शहर है। आज कराची में हम खाएंगे बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें, कोई निहारियाँ, कोई बारबेक्यू, कोई फलाना, कोई टिमकाना, और मतलब खाने लिए नहीं पा देनी है कराची में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। मैं खाने हूँ नर्सरी सुपर बर्गर, और ये नर्सरी सुपर बर्गर है PECHS ब्लॉक 2 के अंदर कराची में। और इनका जो मतलब ऐसी गेम है कि पूरे उसकी दुकान के ऊपर जो है कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, ऊपर से एक बिल्डिंग है, नीचे एक दुकान है, उन्होंने छोटा सा साइड पे लिख के लगाया हुआ है नर्सरी सुपर बर्गर। और इनका ये सीन है कि इन्होंने बन कबाब और बर्गर को मिक्स किया हुआ है, मतलब जिस तरह से बन कबाब की जो चटनी होती है, जिस तरह उसके अंदर प्याज और ये चीज़ें। इतना मज़े का सीन लग रहा है यहाँ पे, ये इस तरह मतलब इसकी खुशबुएं उड़ रही हैं, जिस तरह से चिकन चपली, बीफ चपली और दाल अंडा वगैरह ये सारा यहाँ पे बना रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह से चीज़ें रख रहे हैं, पूरी एक वाइब फील हो रही है यहाँ खड़े होकर। नर्सरी सुपर बर्गर से लिए मैंने दो, एक मैंने लिया है बीफ में और एक मैंने लिया चिकन पैटी वाला। पहले मैं ट्राई करूँगा बीफ। इन्होंने ये है असल में बन कबाब प्लस जो है वो थोड़ा सा फैंसी बर्गर, इसके अंदर है बीफ पैटी एक में, चिकन पैटी, और नीचे जो है वो इसके बन के अंदर इन्होंने सारा जो बन कबाब के अंदर जो कराची के अंदर चटनी डाली जाती है और प्याज डाले जाते हैं उस तरह से, ये बिल्कुल उस तरीके से, लेकिन बन कबाब को इन्होंने बर्गर की शक्ल में जो है वो थोड़ा सा बदल दिया है। तो ये मैं इसको बीफ वाला पहले खा के देखूँगा। ओए ओए, देखने में क्या मज़ेदार लग रहा है। बर्गर जूसी भी है, क्रिस्पी भी है। असल गेम जो है वो इस चटनी की है। पूरे कराची के अंदर कोई भी आप बन कबाब खाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हो, इसके अंदर चटनी जो है ना बन कबाब वाली, वो मतलब चटनी का ये लेवल है कि चटनी जो है वो बीफ पैटी का टेस्ट ही नहीं खास आने दे रही। इसमें पता लग रहा है कि मैं एक थोड़ी सी क्रिस्पी लेयर वाला एक बन खा रहा हूँ बहुत मज़े का, जिसमें बड़ी आला चटनी है, वेजिटेबल्स हैं, और कहीं ना कहीं मुझे हल्का फुल्का सा जो है वो बीफ आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन चटनी इतनी तेज़ है कि वो बीफ को उठने नहीं दे रही है इसके अंदर। वैसे मज़े का। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ चिकन वाला। ओए होए होए भाई, मैं किसी भी जगह पे कोई भी बर्गर हो, मैं चिकन में उसको प्रेफर नहीं करता, मैं बीफ में प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये वाला ये जो है ये चिकन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चिकन में ये ज़्यादा जूसी है, और ये जो चपली कबाब है अंदर इसके भी, और बीफ वाला भी चपली कबाब है, और चपली कबाब भी जो ऑथेंटिक चपली कबाब जिस तरह से होता है कि उसके अंदर भी प्याज हैं और इस तरह से वो पूरा बना हुआ है, बीच में जो है नीचे एक चटनी आ रही है, प्याज आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, हल्का सा क्रिस्पी बन है, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बीफ वाले के अंदर मुझे बीफ खास फील नहीं हुआ, लेकिन चिकन वाले के अंदर चिकन बहुत ज़्यादा जूसी है, बड़ी गेम उठा रहा है चिकन इसमें। फिलहाल मैं कराची की शाहरा फैसल पे वॉक करता फिर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जितनी चीज़ें खानी है उस हिसाब से वॉक ज़रूरी है भाई। जावेद निहारी कराची का, मतलब कराची वाले बोलते हैं कि जावेद निहारी से अच्छी निहारी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल सकती, तो मैं ट्राई करूँगा जावेद निहारी। यहाँ पे बड़ा हैवी किस्म का सीन लगा हुआ है, ये दस्तगीर के इलाके में है कराची के अंदर, और यहाँ पे मतलब इनकी निहारियों का ऐसा लेवल, मतलब सुना, इतनी तारीफ सुनी हुई है मैंने, एक दफ़ा पहले खाई हुई है लेकिन वो बहुत पहले खाई थी, मुझे इसका टेस्ट अच्छी तरह याद नहीं है, तो मैं इसलिए दोबारा खाने आया हूँ। यहाँ पे बड़ा हैवी सीन लगा हुआ है, इन्होंने पतीले रखे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो ग्रेवी अलग है, उसकी तरी अलग है, उसके अलावा नली पड़ी हुई है, उसके अलावा यहाँ पे निहारी का मीट सारा पड़ा हुआ है, और वो इतनी स्पीड से कोई जा रहा है, और यहाँ पे आवाम इस तरह से बैठी हुई है, और एक साइड पे जो है इन्होंने नान वगैरह का वो सारा सेटअप लगाया हुआ, काफ़ी बड़ी जगह है। अभी फ़िलहाल तो मैं निहारी जिस तरह से डल रही है और जैसे वो जो सीन लगा हुआ है वो उसको इन्जॉय कर रहा हूँ फ़िलहाल। एक दो
मुझे बाई चांस ये वाला सीन देखने को मिल गया यहाँ पे। इनकी जो ब्रेक खत्म होती है तकरीबन 5:30-6 बजे, तो उसके बाद ये दोबारा से सारी निहारी जो है दोपहर वाली खत्म होने के बाद ब्रेक के बाद ये सारी निहारी दोबारा लगती है। तो अभी दोबारा लग रही है और ये असल सीन जो है ना वो ये है। पहले होता है ठीक है निहारी पड़ी हुई है उसको आगे देखो वो प्याले में डलती है और आप खा लो। ये पूरे इन्होंने इतने बड़े बड़े देश के खोले हैं, उसका ऑयल अलग की है, उसकी जो निहारी अलग की है, उसका मीट जो है वो अलग की है। तो ये वाला सीन जावेद निहारी पे आके देखना जो है वो एक मैं कह रहा हूँ बेहतरीन सीन हो गया। असल में बोल छोड़ मार बॉडी पे ऐसे बोल बॉडी को एक आध बॉडी और निकाल एहसन भाई ने मुझे ज्वाइन कर लिया। क्या हाल एहसन भाई? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र रान साहब। लेट हो गए हैं आप। अच्छा एहसन भाई को आप जानते होंगे अगर आपने शपै गैंग पे ये फॉलो किया कि मैं जब कराची की पूरी जर्नी अगर आप फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल भाई निहारी हमारे पास आ गई है, इतनी कोई आला किस्म की निहारी लग रही है। इन्होंने इसको जो है वो फ्राई किया और मुझे लग रहा था पता नहीं आग पे रख के किस तरह से फ्राई करेंगे। उनके पास एक ऑयल पड़ा है बहुत ज़्यादा मतलब गर्म जिस तरह उबलता हुआ, वो इसके ऊपर डालते हैं और आपकी निहारी जो है वो रेडी फ्राई हो जाती है। हमने करवाई है सिंगल, इसके अंदर बोंग का पीस है, उसके अलावा इसके अंदर मगज़ है, इसके अंदर नली है। मैं करवा रहा था सिंगल सिंगल दो, एहसन भाई ने मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, फिर मैंने डबल बोला। फिर आपने क्या कहा कि सर एक सिंगल काफ़ी है बचेगी? वो कहते हैं एक सिंगल इतनी है कि उसमें से भी हो सकता है बच जाए। और इतनी फ्रेश लग रही है, साथ में इन्होंने जो है वो नान दिए हैं और साथ में इसके नींबू है और साथ में ग्रीन चिलीज हैं। ओए होए कमाल यार भाई, इतनी कोई आला किस्म की निहारी है, इस तरह एकदम फ्लेवर्स आए हैं मेरे मुंह में और मगज़ जिस तरह से आया है गेम कमाल किस्म की हो गई है। ऐसे भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक तबका है जो मतलब पुराने लोग हैं जो निहारी को शुरू से जिन्होंने शुरू किया और वो वाला सीन है वो इसको खाते हैं शीरमाल के साथ। तो हमने एक शीरमाल भी मंगवाया, मैं शीरमाल के साथ खा के देखता हूँ कैसा लगता है। शीरमाल मगज़ अभी गर्म है असल में, इसलिए मैं बॉम्ब को तोड़ नहीं रहा, तो मगज़ और शीरमाल के साथ खा रहा हूँ। ये एक अलग मज़ा करवा रही है, लेकिन हमारे लिए इसमें शीरमाल जो है वो मतलब उसको निहारी को जो है ना उठने नहीं दे रहा। तो ये सादा नान के साथ निहारी के ऐसे फ्लेवर आ रहे हैं भाई, यार इतनी मज़ेदार निहारी है, इस तरह प्रॉपर जो है वो फ्लेवर्स बीच में आ रहे हैं, तरी उसकी फील हो रही है, बीच में मिक्स जो आ रही है, उसके अलावा मगज़ आ रहा है, वो एक अलग जो है वो एरोमा पूरा फील हो रहा है। और इतना टेंडर किस्म का इसका मीट है मज़ेदार, और मतलब आपके मुंह के अंदर जो है ना वो डिफरेंट आपको फील होता है कि अभी ये जायका है, ये जायका है। और स्पाइसेस बहुत तेज़ नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बड़ी एक अच्छी किस्म की जो एक सही मज़ेदार किस्म की चीज़ होती है उस तरह से ये फील हो रहा है। अच्छा लाहौर वगैरह में जो है निहारी खाई जाती है सिर्फ नाश्ते में, मतलब लाहौर में कुछ जो है वो रात को भी खुली होती है, लेकिन मोस्टली लाहौरी जो है वो फोकस करते हैं कि निहारी को नाश्ते में खाया जाए। लेकिन कराची में ये नाश्ते की चीज़ कतर नहीं है, ऐसे ही है नाश्ते में खुला होता ही है, लेकिन यहाँ पे लोग इसको खाते हैं तकरीबन दोपहर के बाद और रात तक, ज़्यादा इसका जो रश होता है यहाँ पे निहारी के लिए वो रात को होता है। इस निहारी की हर बाइट जो है वो पहले वाली से एक्स्ट्रा मज़ा दे रही है, क्योंकि एक तो बहुत माइल्ड है स्पाइसेस में, मतलब बहुत माइल्ड नहीं कह सकते लेकिन माइल्ड है, और ऐसे भी नहीं है कि आपको लगे कि मेरे से बहुत कम है, बहुत अच्छी किस्म की मकदार के अंदर जो इसके अंदर सारी चीज़ें डली हुई हैं। और साथ में मुंह के अंदर जब अगर आपने मेख वगैरह और जो मगज़ वगैरह खाया हुआ है तो वो जब मीट के साथ बॉम्ब के मीट के साथ जब वो मिक्स होकर मुंह में आ रहा है और इसकी थिक ग्रेवी जो घंटों तक पकती है वो साथ में आ रही है, एक मतलब एक अलग मज़ा है भाई इस चीज़। निहारी खाने का तब तक मज़ा नहीं आता जब तक हाथ जो है वो अंदर पूरे ना डूबे हों, तो इसलिए हमने हाथ अपने पूरे अच्छी तरह से जो है वो खड़काए हैं बीच में। और निहारी की क्वांटिटी ये पहले तो इतनी जो है ये डोंगी जैसे कहते हैं ना, इतनी इसकी वो डीप है ये प्लेट, और अच्छा कि हमने सिंगल मंगवाई है, हम दोनों से हमने रज के खा लिए, अभी मैं खा रहा हूँ, फिर भी जो है प्लेट वो अच्छी खासी इसके अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर मिर्च भी ख़त्म नहीं हुई
नली भी ख़त्म नहीं हुई और अभी मीट भी पड़ा है, इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है और इतनी कोई आला किस्म की ये निहारी है। मतलब मैंने आपको बताया कि हर बाइट के अंदर जो है वो फ्लेवर अलग से फील होते हैं आपको, कि यार कमाल है। जी जनाब, अगला स्पॉट हमारा क्या है? अभी हम जा रहे हैं बिरयानी चौक, यहाँ के एक काफ़ी हिडन जेम्स में से है कराची के लिए, ऐसी चीज़ों की सिंगापुरी राइस। ठीक है, जो छुपा के इन्होंने, मतलब कम लोगों को पता होगा लेकिन कम लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ हुआ, लेकिन सुना है बहुत मज़े की चीज़ है। आयशा मंजिल से दस्तगीर की तरफ आएंगे तो ये मेन यहाँ पे जो चौक है और यहाँ पे है बिरयानी चौक, चौक में बिरयानी चौक। अच्छा, सिंगापुरी राइस के लिए इन्होंने बॉयल्ड राइस रखे हुए हैं, साथ में इन्होंने चिकन और वेजिटेबल्स का एक मिक्सर बनाया हुआ है बड़ा हैवी किस्म का, उसके बाद जो है वो अंदर बड़े पतीले में बड़े शपैक के साथ बन रहा होता है, और साथ में इन्होंने बॉयल्ड नूडल्स रखे हुए हैं। बड़ा क्विक सी डिश है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो कहीं से भी रुको आके यहाँ पे खा सकते हो। अच्छा भाई, सिंगापुरी राइस हमारे पास आ गए, और सिंगापुरी राइस के अंदर इन्होंने बड़ा हैवी किस्म का सिस्टम है, पहले बॉयल्ड राइस है इनके पास, वो डालते हैं प्लेट के अंदर, वो डालने के बाद ऊपर जो है ये उसको अपने साथ में जो सिंगापुरी राइस की पूरी इन्होंने वेजिटेबल्स और चिकन और वो जो सारा मिक्स करके जो बनाया वैसे पूरा वो ऊपर डाल के, और उसके ऊपर एक सॉस डालते हैं, ये सॉस डालने के बाद ऊपर इन्होंने नूडल्स को बॉयल किया हुआ है वो डाल के, और ऊपर जो है वो फ्राइड गार्लिक इन्होंने ऊपर ब्राउन कलर का डाला हुआ है। देखने में बड़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है, सॉस, राइस, चिकन, वेजिटेबल्स, नूडल्स। तो अभी खा के चेक करते हैं ज़रा क्या शपैक है इसका। यार सिंगापुरी राइस की गेम एक अलग स्ट्रॉन्ग गेम है, इसके अंदर जो है वो बीच में सॉस जो मेयोनीज और साथ में कोई एक चीज़ उसके अंदर ऐड की हुई है, वो बड़ी आला किस्म का टेस्ट आ रहा है, और बीच में जो इनका जो सारी वेजिटेबल्स और चिकन की जो पूरी वो इन्होंने बनाई हुई है मिक्सचर, उसका टेस्ट बहुत मज़े का है, और बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, राइस भी है, नूडल्स भी हैं और वेजिटेबल्स, साथ में वेजिटेबल्स बीच में ज़रा ना वो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बॉयल शॉयल ही किया, सिर्फ उसको डालते हैं 2 से 3 मिनट उसको घुमाते हैं उस चिकन में ग्रेवी में, और वो रेडी है, तो वो ज़रा एक क्रंची सी फील देते हैं बीच में। हम लोग पहुंच चुके हैं हुसैनाबाद में, और हुसैनाबाद में हम लोग एक बन कबाब खाने हैं, कलेजी बन कबाब, बड़ा हैवी किस्म का, और वो मुझे आप बताएंगे कि कहाँ पे है और क्या सीन है। ये मेन हुसैनाबाद पे, जैसे ही आप इंटर हो गए टूवर्ड्स, अगर आप अजीजाबाद से आ रहे हैं पहले राइट पे एक बड़ी मशहूर सी स्ट्रीट है सिद्दीकाबाद की, वहाँ पर इसमें हिडन किस्म का जर्म है, और ये है, ये पाइनियर्स है बेसिकली इस एरिया में कलेजी बन कबाब के, मिल बहुत सारे जगह लेकिन दे आर द पाइनियर्स। नासिर कलेजी तिलियन बन कबाब, देख के सीन ऐसे लग रहा है कलेजी बन रही है, तवे पे ऑयल डाल रहा है, कलेजियाँ डाल रहा है, ऊपर जो उसके मसाले बन रहे हैं, बड़ा हैवी किस्म का शपैक चल रहा है, और इसके पास होती है कलेजी वाला बन कबाब। नासिर कलेजी बन कबाब हमारे पास आ गया है, और बन कबाब जिस तरह कराची के नॉर्मल बन कबाब होते हैं वो वाला सीन है, लेकिन इसके अंदर जो है इन्होंने नॉर्मली क्या चीज़ कोई कबाब अंडे के अंदर कबाब वगैरह बना के वो डालते हैं, और वो चटनी डालने के बाद बीच में थोड़ा सा प्याज और सिंपल मसालों वाली कलेजी। एकदम से मुँह के अंदर वो ऐसी खटास फील हुई है पूरी। पहले मैं कराची के पिछले टूर में कोई कलेजी वाला बन कबाब खा के गया था, पता नहीं कहाँ से उसने मेरा इंप्रेशन ख़राब कर दिया था, लेकिन ये बहुत आला बन कबाब है। एक थोड़ी सी च्यूइनेस जो कलेजी में होती है वो तो है, लेकिन भाई बहुत आला किस्म की, असल जो बन कबाब में मेरे नज़र में सारी गेम है चटनी की, सारी गेम चटनी की है, जिसकी चटनी जितनी अच्छी भाई उसका बन कबाब उतना फाड़ू, इनका बन कबाब बहुत आला है। और ये बन कबाब खाने का मज़ा भी ये है कि हम लोग खड़े हैं इस ठेले के बिल्कुल किनारे, और यहाँ पे खड़े होके एकदम आप खाओ और यहाँ से आगे निकलो, सिर्फ 5 मिनट का सारा प्रोसेस है, साथ में इन्होंने एक्स्ट्रा चटनी भी दी हुई है, लेकिन अंदर चटनी बिल्कुल परफेक्ट डाली इन्होंने, एक्स्ट्रा चटनी डालने की ज़रूरत है नहीं।
अभी हम हुसैनाबाद की कोई गलियों के अंदर, ये वैसे कराची की एक अलग, मतलब एक अलग फील है इस शहर की। मैं इस शहर को वैसे शहर नहीं, मैं बोलता हूँ ये अपने आप के अंदर एक मुल्क है पूरा, छोटा सा। मतलब अगर मुल्क देखें तो छोटा, शहर देखें तो बहुत बड़ा। तो अभी हम कौन सी चीज़ ढूंढते फिर रहे हैं गलियों में? हम ढूंढ रहे हैं काठियावाड़ी छोले। काठियावाड़ी छोले अभी इस प्यारी सी गली के अंदर से इस गली के अंदर से हम जा रहे हैं वो छोले ढूंढने के लिए। अरे नहीं करो यार, ऊपर से आया क्या? खत्म हो गया। खत्म? ये दिल्ली और पापड़ी मिल रही है, वो छोले खत्म हो गए। और असल गेम छोलों की है, ये भी अच्छा आइटम है लेकिन नहीं नहीं छोले नहीं है तो फिर ढक्कन खोल के दिखा दो कि हमें खत्म हो गया। बाकी खत्म हो गई थोड़ी बहुत। ऐसन भाई से मैंने इन छोलों की तारीफ बहुत सुनी है लेकिन लगता है कि इस टूर में जो है ना ये किस्मत में नहीं है। अच्छा भाई, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की एक अलग वाइब है। मतलब यहाँ पे आप जिस तरफ देखोगे आपको एक अलग मंजर नजर आएगा। कोई आइसक्रीम खा रहे हैं लोग खड़े, कहीं बारबेक्यू, कहीं कढ़ाइयाँ, कहीं कटाकट। एक रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आई थी कि हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे मटका बिरयानी मिलती है, वो लाजमी ट्राई करना। मटका बिरयानी इसे मेरे सामने है, देख रहा हूँ उसे, मुझे बहुत कमाल चीज़ लग रही है क्योंकि वो सामने एक मटके के अंदर ही जो है उसकी ग्रेवी बन रही है, अंदर ही चावल डालते हैं, वही भी दम होता है वहीं खोलते हैं। लेकिन मुझे एक पंजाब से आया हुआ कराची में बंदा, मुझे चाहिए ऑथेंटिक बिरयानी कराची की जो मुझे पसंद है। मुझे अच्छी बहुत लग रही है लेकिन मेरा मटका बिरयानी खाने का दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है। ऐसा कभी होता नहीं है मेरे साथ क्योंकि मैं कराची में ऑथेंटिक बिरयानी खाना चाहता हूँ। नो डाउट बहुत अच्छी होगी, लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। आप लोग हुसैनाबाद आना, अगर आपने ट्राई करनी हो तो मस्त ट्राई करना। हम लोग अभी हुसैनाबाद से निकल रहे हैं वापस। अच्छा भाई, हुसैनाबाद के बाद हम लोग गए धोरा जी गोला गंडा खाने के लिए, लेकिन धोरा जी जाके पता लगा कि गोला गंडा की जो दोनों साइडों पे रेडियां खड़ी होती हैं वो सब बंद थी। उसकी मुझे नहीं पता क्या वजह क्या नहीं वजह, तो गोला गंडा हम नहीं खा सके। तो उसके बाद फिर हम आगे वापस अपने रूम में। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को तो हमें याद रखना और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। और कराची का अगला पार्ट हम कल शुरू करेंगे।